हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो स्वागत है। तो जैसे कि आप सब ने पिछला व्लॉग देखा कि हम लोग पिकनिक मना रहे थे और मौसम ख़राब ही हो रहा था, और सही में थोड़ी देर बाद में बारिश बहुत ज़ोरों से बारिश हुआ और हम लोग का आंगन हालत का हालत तो आप सब देख ही रहे कि कितना बुरा हालत है, और इधर पूरा घर चूके। इतना खुशी से हम लोग कल पिकनिक मना रहे थे, इतना प्यारा यादगार बना रहे थे, ऐसे चौपट किया ना, परेशान हो गए, सब कोई परेशान हो गए। तो कर ला उसी गुस्सा से ना, इधर उधर पूरा सब चीज बिखरा पड़ा था, उस गुस्सा से ना कल मैं अमिता को जोर से मार दी ना इधर इतना बारिश बाकी है, पूरा गड्ढा हो गया है, पूरा हम लोग का आंगन तो बैंड बज गया है, हम लोग का आंगन का पूरा बहुत सारा बर्तन हो गया सच में। मैं सोच रही थी मैं शादी जाऊंगी, लेकिन पूरा इतना बर्तन कि कोई लिमिट नहीं है, धोना है सारा काम। क्या हुआ, क्या सबके बर्तन लेने के लिए जाने वाले थे, उसी टाइम पे बारिश हुआ और सब भटक गए हम ही लोग के घर में। फिर क्या करते, बहुत लेट हो गया था, तो मैं बोली हम ही लोग का बर्तन निकाल देती हूँ घर के। फिर बर्तन ढूंढ ढूंढ के निकाल के सब लोग को खाना खिलाए, फिर बहुत सारा हो गया। कल का बारिश सारा चौपट कर दिया है, काम की कमी ही नहीं है, कचरा फेंकना है, कचरा ही कचरा है सब तरफ रे बाबा। आधे तो झाड़ू भी नहीं किए हैं। पहले तो हम लोग का आंगन ना पूरा ना लिपा छावा हुआ रहता था, लेकिन आजकल तो ना ये जो भी चबूतरा देख रहे सारा छावा हुआ रहता था, बहुत अच्छे से छावा हुआ, जैसे यहाँ और वहाँ का छावा हुआ है ना, वैसे ही उधर का सारा छावा हुआ रहता था। लेकिन अभी आजकल का ऐसे मौसम को देख के तो कौन ही छावे, और इतना बड़ा हम लोग का सारा आंगन ना लिपा हुआ भी रहता था, सारा लिपा हुआ रहता था। लेकिन अभी ऐसे मौसम को तो देख के कौन ही लिपे छावे रे बाबा, कौन ही बेमौसम पानी डेली हमेशा डेली। तो हम लग जाते हैं काम में, अभी करना है पूरा कचरा सबको फेंकना है, झाड़ू करना है, बहुत सारा बर्तन है। हेलो, तो आज ना हमारे बस्ती से थोड़ा आगे बस्ती से एक शादी है गुड़िया का, तो हम लोग उसी में जा रहे हैं, और हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हैं, मैं मम्मी है, मम्मी भी हम लोग के साथ में लेट हो गई है, तो एकदम हड़बड़ी में जा रहे हैं अपन। तो चलिए आप सबको डायरेक्ट वहीं पे पहुंच के दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे माहौल है। तो अभी कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और हम लोग का हो गया है हालत ख़राब, और लेट भी हो गए हैं, तो थोड़ा चलने में ध्यान देते हैं। तो यस, चलते हैं चर्च में। अमन प्रताप और सुष्मिता सलोरा, क्या आपने बिना दबाव के और राज्य खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक, क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त और कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं?